Hi everybody, this is Dhananjay here from Moksh, and okay, thanks for joining in and all of you are welcome. So this is all about MBBS in India and abroad. अभी जो basically जो आप लोग NEET के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? Let me explain you how it works. Okay, today we are going to finish it in exactly 45 minutes, no more than that. Okay, so सिस्टम यही रहेगा. मैं 15-20 मिनट में आपको 20 मिनट में आपको मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. हम लोग आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट नीट, नीट क्रैश कोर्स जो फ्री में बट रहा है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, ठीक है? एमबीबीएस अब्रॉड और लास्ट ईयर क्या हुआ था नीट के बारे में, ठीक है ना? सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस होल स्टोरी अबाउट अनक्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड. इस टाइम 15 लाख लोग हैं, ठीक है? 50 परसेंटाइल इज द लाइन, ऑल ऑफ यू नो दैट. ओके, 50 परसेंटेज नहीं है, 50 परसेंटाइल है. मतलब 720 मार्क का अगर नीट है तो लास्ट ईयर 119 मार्क वाला क्वालिफाइड था. इसका मतलब है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वर बिलो 118. और मेजर प्रॉब्लम यही था कि उसको नहीं समझ में आता था क्वेश्चन, फिर भी उसने अटेम्प्ट किया. सो ही मेड दैट मिस्टेक और शी मेड दैट मिस्टेक. सो यू नो लॉट ऑफ नेगेटिव मार्किंग हैपेंड दिस ईयर. अगेन पीपल हैव अंडरस्टूड दैट वी शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग. वी आर एक्सपेक्टिंग 140, नो मोर देन दैट फॉर क्वालिफाइंग. ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर आप अनक्वालिफाइड हो, 2 दिन पहले एमसीआई ने एक ऑप्शन दिया है कि जिस दिन आपको नीट देते हो उसी दिन अगर आपको समझ में आ ही जाता है कि जनरली कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है ना? नहीं तो ओएमआर आ जाता है. सो 5 मई को नीट है. यू विल कम टू नो वेरी सून वेदर यू आर क्वालिफाइंग और नॉट. आर यू अबव 150? लेट अस टेक ऑन द सेफर साइड. इफ यू आर नॉट अबव 150, you will definitely be unqualified, most probably be unqualified. Okay, agar 120 130 pe atak gaya to naseeb hai. So agar unqualified ho to MCI ne bola hai ki agar 5th June ke pehle agar aap nikal jate ho India ke bahar, okay, to fir aapko qualification ki zarurat nahi rahegi. I will show you those, you know, you can also browse through MCI website and you can get those notifications. इसका मतलब है अनक्वालिफाइड स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एबल टू गो नाउ फॉर अब्रॉड बट लिमिटेड टू 5th June, क्योंकि दैट इज द डे व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द 2019 नीट इज आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड. बट एक बार 5th June आ गया, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जा सकते हैं सितंबर 2019 के बैच के लिए. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू the new rule how it is affecting the students. It is there. So they have given an option. MCI, Medical Council of India, has now given an option for you 2 times. May ka batch rehta hai. There is a May batch and there is a September batch. Those who think they will be unqualified, or those students who were unqualified in 2018, they are all going in the month of May. ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया है. ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्ट यू टू पुट द क्वेश्चंस. ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू. आई एम धनंजय हियर. आई एम द सीईओ ऑफ मोक्ष एंड वी आर अ क्वाइट अ पॉपुलर कंपनी इन द काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस एंड फॉर अब्रॉड मेजरली. एंड वी हैव ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री. मोस्टली आपके घर के बाजू में हमारा ऑफिस रहेगा कहाँ ना कहाँ, ठीक है? वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 33 लोकेशंस इन इंडिया. ओके, so I will answer all the questions. Okay, ये abroad में qualified हो गए तो abroad जा सकते हो, qualified हो गए तो India में पा सकते हो, ठीक है? But India में लेने के लिए naturally government में 540, 540, 550 is a score, neat score that you would minimum require. And if you want, if you are able to spend kind of 70, 80 lakh rupees or even more for private colleges, then you will get it even at 300, 350.
I hope you understand now. Okay. So these are the one is government, second is private, third is May batch abroad, and fourth is September batch abroad. So ye char chances hain aapke paas MBBS ke liye. Okay. Now when you are studying, you are giving a lot of test series and mock test and all, you know whether you are sitting in this 540, 550 criteria or not. Correct? If you are not, you must understand that chances. If you are at 500, one can imagine that in the next, you know, whatever remaining time of, you know, 20 days, you can jump onto 550 or something like that. But if you are at 350, you won't be able to jump to 550 so easily. So you'll be qualified, but you are not good enough to get into government. So you will start looking at the private colleges, which is the second option. Now, private colleges, the fees are going to be based on your score. They will vary. If your score is less, the fees will be running into crore. If your score is very good, then, you know, 450, 490, 500, something like that, you might get something at 50 lakhs, 60 lakhs also. So very few seats at low cost. Most of the, on an average, 70, 80 lakhs budget is required. Now for third option, those who are unqualified in 2018 or those who are expecting to be unqualified in 2019, they have one chance, that is they can leave before 5th June. And the fourth option is for qualified students who can easily go in the month of September. And the average cost of MBBS, there are three types of programs and abroad, 20 to 25 lakhs for the entire course. If you want to return back to India, 40 to 45 lakhs approximately. If you want to do your medical PG in US, and 80 to 90 lakhs if you want to start your program right from the beginning, Caribbean and USA. So these are the three slots that in abroad you have to select your slot, this, this, or this. और इसी के अंदर आपको तीन में से कोई ऑप्शन, व्हेन यू कम डाउन टू अब्रॉड, दीज आर द थ्री ऑप्शंस यू हैव टू टिक मार्क इन योर. सपोज आपने बोला सर मेरा बजट सिर्फ 15 लाख का है, उसमें होगा क्या, यू विल गेट सो सच अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, लो क्वालिटी एजुकेशन. एंड रिमेंबर व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन पासिंग द FMGE एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन. Unless you pass that, you're not going to get the license back in India. Okay, when you go abroad. So in nutshell, choosing the right university, good university, quality education, along with FMG coaching for 5 years is the only solution that you should opt for in the first instance. Of course, there are many other parameters that we will talk about in the next 15-20 minutes. Is this much clear to all of you? So let's move forward. I will tell you some of the secrets, what are the ways that you should be looking at. So there are a lot of NEET aspirants in India. We know how it is growing. It's almost 60 lakhs. 16 lakhs are the number of people who have applied for NEET. 4% is the government and private colleges that can absorb as per the number of seats available, correct? Approximately 25,000 students go abroad in various universities, 29 in private and 32 in government. So this is how around, you know, almost a lakh of students are, you know, 60 plus 25, 85,000 students go for becoming a doctor every year, almost. Okay. The data will be available on mooc16.com. And for any guidance, you can call up anytime over here, or if you're not keen to talk to anybody, there is a chat mode on this. You can simply chat to the counselors and they will guide you further. So it is a tough competition where 16 lakh students, 4% in government and private put together, out of that 2% is in private at a very high cost. So sabse pehla apne aap ko slot karo 1, 2, 3, 4 mein. And when you say ya to 3 ya to 4, again slot karo 20 to 25, 40 to 50, या 80 to 90, आपका आधा काम सॉर्ट हो जाएगा.
ठीक है। सो लेट मी गो फर्दर नाउ, पीपल आर आस्किंग अबाउट रशिया एंड ऑल, सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एकदम बेसिक 9 पॉइंट्स हैं, इस 9 पॉइंट्स को आपको बहुत समझना पड़ेगा, अगर ये क्लियर है तो आपका 90% डिसीजन सही होगा। बिफोर यू टाइप एनी क्वेश्चंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस लॉ। जब 25,000 स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो जरूरी होता है। सबसे पहला, आप एक एडमिशन एजेंट के पास मत जाना, एक करियर प्लानर के पास जाना। फर्क क्या है भाई, एडमिशन एजेंट सिर्फ एडमिशन की बात करेगा, एमबीबीएस में एडमिशन दिला दूंगा, कागज का यहां का वहां करके देगा वो। करियर प्लानर आपको एमबीबीएस से लेके पीजी तक का पूरा प्रोग्राम बताएगा और उस प्रोग्राम को कैसे अचीव करने के जितने रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो भी आपके हाथ में देगा, पूरा करियर प्लान रहता है। आज की तारीख में एमबीबीएस की वैल्यू खत्म हो चुकी है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि फॉरेन जाने के बाद में ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन एफएमजीई ऑन एन एवरेज। आप ये चीज गूगल किए बिना अब्रॉड जाने का कोई भी डिसीजन लेना गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप एक रिजल्ट्स ऑफ एफएमजी इन 2018 लेट्स से आप देख सकते हो, यहाँ पे जनरली लेट्स नॉट टाइप फॉर 2018, लेट अस से जनरल। अगर आप सही तरीके से सर्च करोगे तो आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा, ये मिल गया आपको पासिंग परसेंटेजेस, यू कैन सी ये पुराना है हु अपीयर्ड। तो हजारों लोग अपीयर करते हैं, ठीक है ना, इसमें से पासिंग सिर्फ 20% रहता है, ठीक है, ओनली 20% ऑन एन एवरेज, ओके। ये आपको दिख रहा है 28%, 16%, 13%, 10%, दिस इज द पासिंग रेशियोस। व्हाट हैपेंस इज, इस साल में 90% स्टूडेंट्स फेल हुए, इसका मतलब है 90% स्टूडेंट्स को लाइसेंस नहीं मिला। सिर्फ फॉरेन जाने से, डिग्री लेके आने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये फर्क होता है एमबीबीएस एडमिशन एजेंट का और करियर प्लानर का। वो करियर प्लानर जैसे मोक्ष आपका प्लान करेगा और उसके साथ में आपको एफएमजी पास कराने का गारंटी देता है, अगर आप एफएमजी का कोर्स बराबर से पढ़ना कंटिन्यू करते हो तो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर व्हाइल परसेंटेज ऑफ पासिंग आर गोइंग डाउन एवरी ईयर। ये ऐसा क्यों होता है उसका डिटेल में आपको समझना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर दिस इज मेकिंग सेंस टू यू टू गो अब्रॉड और नॉट। सो एमसीआई स्क्रीनिंग वाइल स्टडिंग एमबीबीएस, अब आपको पहले साल में एनेटॉमी पढ़ाया और सातवें साल में आपको उसका एग्जाम लेने पूछेंगे तो नहीं दे पाओगे, कैसे पास करोगे। वहां पर यूनिवर्सिटीज फॉरेन की वो एमसीआई नहीं देती, तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, आपको बोलेंगे वहां पे आपको एमसीआई की फ्री में कोचिंग मिलने वाली है, कॉलेज के अंदर ही एमसीआई का सब कुछ, आपको जैसे आप सवाल पूछते जाओगे आपको कंफर्टेबल जोन में लेते जाएंगे। तो उनको पूछो सर वहां पे सिर्फ इंडियन पढ़ते पढ़ते हैं या वहां पे फॉरेनर दूसरे भी कंट्री से आते हैं,
बोलेगा नहीं नहीं पूरे दुनिया से आते हैं, तो फिर एमसीआई कौन पढ़ाएगा, क्योंकि ये एग्जाम तो सिर्फ इंडियन को है। ये जरा सा अप्लाई करो नॉलेज और आपको समझ में आएगा कि अनलेस यू हैव द टूल टू सॉल्व द एफएमजी प्रॉब्लम, देर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू अब्रॉड। ओके, दूसरी चीज, एमबीबीएस की आपकी जो वैल्यू है वो अभी खत्म हो चुकी है। एमडी और एमएस के बिना आप एमबीबीएस करना अब्रॉड में इट इज नॉट एडवाइजेबल, स्पेशली व्हेन द एफएमजी रिजल्ट्स आर गोइंग सो डाउन। सो एज अ करियर प्लानर, मोक्ष विल हेल्प यू नॉट ओनली टू गेट द एडमिशंस बट ऑल्सो प्लान योर करियर राइट अप टू पीजी अलॉन्ग विथ इंश्योरिंग दैट यू आर पासिंग एफएमजी। तब जाके एक पूरा एक सॉल्यूशन बनता है आपके करियर के लिए। इज दैट क्लियर नाउ? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की जाती है। इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो इतने सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात, जिनको इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में जाना है अगर गवर्नमेंट में मिल गया एडमिशन तो? एनीबडी ओवर हियर? आई डोंट सी एनी रिस्पॉन्स। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वाई एम आई राइटिंग सच सिंपल सिंपल थिंग्स फॉर यू। अगर आप एमसीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो 600 यूनिवर्सिटी एमसीआई ने अप्रूव करके रखी है, 600+। इसमें से कम 150 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड एंश्योर वेदर द यूनिवर्सिटी। अब्रॉड में भी यही प्रॉब्लम है प्राइवेट और गवर्नमेंट का, क्या वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है? क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सेप्टेंस लेवल है, एक्रेडिटेशन है उसके, उसके जो अटैच्ड हॉस्पिटल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम ए सिंगल ओनर रन प्राइवेट कॉलेज। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है, क्वालिटी नीचे चली जाती है प्राइवेट में, ठीक है, क्योंकि वहां पे पैसों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं और कंपलसरी उनको फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस टू बी मिनिमम 100 ईयर्स। ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 1 साल 2 साल जैसे यूनिवर्सिटीज जैसे प्रमोट हो जाती है इंडिया में, क्योंकि एजेंट्स का काम ही वो होता है कि आपसे आपको किसी भी हिसाब से कन्विंस करे और आपको उस यूनिवर्सिटी में भेज दे कि जहाँ से उसको ज़्यादा फायदा होता है। तो जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड नहीं है वो एजेंट को ज़्यादा पैसा देती है और वो आपको वहीं पे भेजेगा। तो यू शुड बेसिकली सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी विच इज मिनिमम 100 ईयर्स ओल्ड, ओनली गवर्नमेंट। और किसी ने अभी सवाल पूछा मुझे कि रशिया में कौन सा अच्छा है, मोहम्मद शाह नहीं, हर्ष चौधरी ने पूछा मुझे। हर्ष, सबसे पहला आप ये, मैं आप एक चीज बता रहा हूं, किसी कंसल्टेंट को मत पूछो कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। सेल्फ रियलाइज करना सीख लो कि कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होती है, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी होती है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया। मैंने क्लिक किया, आपके सामने क्लिक किया, यहाँ पे एडुकेशन सेक्शन है, क्लिक किया, यहीं से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या है पहले वो ढूंढो। अब आप ये पढ़ोगे, हर्ष या मोहम्मद जो क्या नाम था आपका, आपने सवाल पूछा, मोहम्मद शाह नवाज, आप दोनों रशिया की बात कर रहे हैं, ये चीज पहले देख लो। ये रीजन है कि एमसीआई में इतने बुरे परसेंटेज ऑफ पासिंग मिलते हैं।
सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटी को स्पेशल लाइसेंस मिला है टू टीच इन इंग्लिश. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टीच यू 3 ईयर्स इन इंग्लिश मीडियम वाइल साइमल्टेनियसली टीचिंग यू रशियन लैंग्वेज. फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न इन रशियन लैंग्वेज. रीड इट वेरी केयरफुली. मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. आपको रशियन लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर अगर पढ़ाई ही रशियन लैंग्वेज में करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आने के बाद में आपको FMG इंग्लिश में देना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यू ये पढ़ो आप. प्लीज नोट, नो बुक्स ऑन मेडिसिन इन इंग्लिश इज अवेलेबल इन रशिया एंड इन सम केसेस एजुकेशन कॉन्ट्रैक्टर्स आर प्रोवाइडिंग द सेम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो एवरी स्टूडेंट ऑफ मोक्ष गेट्स द बुक्स अलॉन्ग विद देम. अगर आप कोई छोटे मोटे लोकल एडमिशन एजेंट के पास चले गए तो आपको वहां जाके जो तकलीफ होने वाली है यू कैन नॉट इमेजिन, बिकॉज ही इज नॉट, ही डज, ही हैज नेवर गॉन देयर, ही हैज नॉट सीन इट, ही डजंट नो व्हाट इज गुड एजुकेशन, ही इज जस्ट हियर टू मेक मनी. दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम में आपको सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी बहुत तरीके से करनी पड़ेगी. ओके, हर्ष, मैं आपका ये सवाल का भी जवाब देता हूं मैं. ओके, अंश कुमार, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, वेरी गुड. सो मैं आपको बताता हूं, ये पढ़ो आप. मेनली इन रशिया एंड चाइना में ये प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं सिखा पा रहे हैं. ठीक है, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में ही इंग्लिश में चलता है प्रोग्राम. सो आपको लगता होगा कि भाई मैं रशिया में चला जाऊं, जो सस्ता यूनिवर्सिटी होता है उसी के साथ में चला जाऊं तो मेरे लिए सबसे फायदा कारक काम होगा. नहीं होगा. आपका पूरा 6 साल बर्बाद होगा, कुछ पढ़ नहीं पाओगे, FMG पास नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी इन डीप शिट. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी. अब इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट की है वेबसाइट तो वो झूठ नहीं बोलेगी. सो हमको उसके ऊपर पूरा भरोसा रख के आगे बढ़ना है. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? वंशिता, दिस इज मेजरली फॉर MBBS इन अब्रॉड एंड MBBS इन इंडिया. यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आई कैन आंसर देम इफ आई कैन. ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू द चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू इंडिया फॉर MBBS इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट इज एक्चुअली नो मोर देन 2%, एंड विद इन दैट 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैटेगरीज. सो वॉट रिमेन्स इज बैलेंस 1%, एंड देर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट इन टू द 9. यू नो दिस इज द चांसेस दैट द स्टूडेंट फेल्स इन इंडिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो हैविंग अ बैकअप विल ऑलवेज हेल्प यू. इफ यू नो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऑफकोर्स यू मस्ट ट्राई टू गेट दैट. नो बडी स्टॉप, यू नो नो बडी टेल्स, दिस इज अ बैकअप. द वे टू गेट इन टू द बैलेंस 2% स्मृति इज नथिंग नथिंग एल्स बट नीट UG 2019. कॉम्पीट विथ 16 लाख स्टूडेंट्स एंड यू आर गोइंग टू कॉम्पीट. दिस इज जस्ट अ प्लान बी. आई एम नॉट हियर टू डिस्करेज, आई एम ट्राइंग टू थ्रो द एक्चुअल रियालिटीज वॉट यू आर गोइंग टू फेस. In the year when you were in 10th level, that is the time when you decided to become doctor. At that time, you did not know what is NEET, what is the actual problems, what are the number of people who are actually getting into India. And there are a lot of such things that you will come to know now. The system of admission, the counseling, the percentage of people who are actually getting in, all those things. So similarly, so basically max marks required to be in the minimum marks. I think Smati, what you meant is minimum marks
540 के नीचे अगर मार्क्स हैं तो बहुत मुश्किल है, और 540 टॉप 2% लोगों को आ जाता है, सो यू विल बी 98% अप। फॉर एससी कैटेगरी फॉर पंजाब इट इज अराउंड 490 एंड इट कीप्स ऑन वेरिंग एवरी ईयर शरणजीत, इट विल बी समवेयर अराउंड 460 टू 490। Okay, these type of questions you can just type on Google and you will know it generally. Okay, 460 to 490 ke beech mein SC category ko mil jana chahiye government mein. There should not be any problem. Okay, so how many of you, anybody who out of you are thinking about, because I can already see some questions on Russia. So there are people who are talking about Russia and all of creating some backup plan for themselves. What we are trying to do is we are trying to give a neat crash course absolutely free of cost when you are creating a backup plan for yourself. Okay, and with that we are guaranteeing that you will qualify. At least I cannot guarantee you that you will get 540 because you are left with hardly 20 days now. Okay, it all depends on where you are, but with the guidance we can assure that you are going to qualify. Once you qualify, at least your plan B will remain intact. Okay, so this whole webinar is for that purpose, and it is when you are going opting for a plan B, there are a lot of things that you need to understand. How much will it cost till PG? It's a very interesting question, but let me go for that question on China. Somebody asked me a question on China. Let me show you, because I got diverted because some people said they were not keen for abroad at this moment. Probably they do not understand that, you know, not everybody will get into it. You can get into it probably, but may not be, everybody cannot get. So anyway, so what you should do is MCI approved medical colleges abroad. Simply go on this link, okay, and yeah, we will have a separate session, Smriti, only for filling up the preferential forms, how to select the university and all. We have separate webinar for that. Once you have given your exams, we will conduct these webinars on filling up the preferential form for different states. Okay, English taught, English medium courses in China. I believe somebody was asking me about China. अंश कुमार, सो अंश, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको एचएस के 4 लेवल आपको करके एमबीबीएस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 45 यूनिवर्सिटीज में अगर हो तो। पर अगर आप ये वाले कोर्स में हो, चाइनीज टॉट प्रोग्राम में, तो 100% आपको एचएस के 4 लेवल करना पड़ेगा। ये देखो आपका पूरा लिस्ट, प्रॉब्लम यहां पे है 214, सो इसमें से 45 इंग्लिश हैं और बाकी की 169 यूनिवर्सिटीज पूरी चाइनीज डॉट प्रोग्राम में। आई होप यू गॉट योर आंसर। अगर आपको चाइना के अंदर जाना है तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जाना है, आपको जाना है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में। अगर कोई गलत आपको गाइड कर देगा तो आप फंस जाओगे। अब होता ऐसा है कि जो इंग्लिश प्रोग्राम है उसकी कॉस्ट डबल होती है कंपेयर टू चाइनीज डॉट प्रोग्राम। चाइनीज डॉट प्रोग्राम 12 लाख 15 लाख में खत्म हो जाता है, बट सिखाएंगे चाइनीज में, तो उसके लिए एचएस के 4 लेवल यू विल हैव टू पास फर्स्ट एंड देन ओनली यू विल बी प्रमोटेड टू द मेडिसिन। बट इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में वो कंपल्शन नहीं होता, वो इंग्लिश में ही सिखाते हैं, तो एचएस के 4 लेवल तो आपको आराम से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 5 इयर्स यू आप सीखते रहोगे। इज दैट क्लियर नाउ वंश? How can we get a crash course? Saranjit, you book any medical seat abroad as a plan B if you are thinking that you may not get 540. In that case, the crash course is absolutely free of cost. You may have heard about neatprep.com. Saranjit, have you heard about neatprep.com?
It's one of the most famous and happening NEET online NEET crash course. Okay, for all the students, few of the top faculty is teaching over there, and huge, huge fan base is created in India. So that's costing you 30,000 rupees, but we are giving it free of cost. Okay. Vanshita Vijay, I am not appearing for NEET exam this year. I'll drop this year. So what strategy should I adopt? Suggest me. Vanshita, it is very simple. If you are not, मैंने आपको पहले बोला MBBS is not enough. PG तक का प्रोग्राम होना जरूरी है. इसका मतलब है आप 10 साल का अपना कमिटमेंट दे चुके हो, ठीक है? अब उसमें एक साल का और एक ब्रेक लेना, it's not correct unless you are on the edge. मतलब कोई बच्चा इस टाइम समझो 2018 में 500 मार्क्स आता है या 510 आता है, 520 आता है, 490 आता है, he can aim, क्योंकि फटीग होता है पढ़ने में बहुत. So he can definitely think of, okay, एक धक्का और लगा के 540 तक पहुंच जाऊंगा मैं. If you have not tested yourself, then you are in deep trouble. Okay, by wasting a year without any reason, it doesn't make sense. और आपको शायद पता होगा, गवर्नमेंट भी अभी नया रेगुलेशन निकाल चुकी है कि एक बार नीट दो, 3 साल तक उस नीट को आप यूज कर सकते हो स्कोर को. क्योंकि एवरी ईयर पहले 10 लाख थे, फिर 12 लाख हुए, फिर 13-13.5 लाख, अभी 15-16 लाख स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं. ओके, इवन इट इज गोइंग बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू हैंडल सो मेनी एस्पिरेंट्स फॉर द नीट. सो दे हैव सेड अब नीट देना बंद करो, अब एक बार दिया तो उसको यूटिलाइज कर लो दूसरे साल पे. What is the minimum time for applying for Chinese English MU? Ansh, सबसे पहला Chinese का English programs खत्म हो जाते हैं, ठीक है? Highest priority उसकी रहती है, क्योंकि China में, China का infrastructure किसी के पास नहीं है, patients का flow नहीं है, population सबसे ज़्यादा है. अगर English में program मिलता है, और सबसे बड़ा फायदा है 5 साल का program China में. So internship can be done back in India, and that is the reason why everybody. और सीटें बहुत कम होती है, तो सबसे पहला सब लोग अपनी सीट ब्लॉक करा देते हैं, मोक्ष से एक नीट क्रैश कोर्स फ्री में ले लेते हैं. सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू एंश्योर दैट यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर वेदर इन इंडिया और अब्रॉड. ओके, दोनों बाजू से क्लियर हो जाता है. हर्ष, हाउ इज द, ओके एक मिनट. अंश कुमार, शुड आई वेट टिल 5th मे और बुक यूनिवर्सिटी बिफोर इट? इज देयर एनी चांस दैट गुड यूनिवर्सिटी गेट बुक्ड अप टिल? देखो अंश, आई विल टेल यू, अब चाइना में अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू नैनजिंग, आई डाउट इट विल बी अवेलेबल टिल 5th मे. वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन 60 स्टूडेंट्स जा सकते हैं, और विद दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन वेर यू कैन ब्लॉक योर सीट, यू कैन सिक्योर योर एडमिशन. चाइना में ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सबको मिले. फॉर एग्जाम्पल नैनजिंग में आपको मिनिमम 220 स्कोर के नीचे, नीट के नीचे नहीं मिलने वाला. मिनिमम 75% ऑन PCB. ओके, अगर 250 नीट आया तो 70% PCB में भी निकल जाओगे, बट उसके नीचे निकलना मुश्किल है. सो स्कोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर चाइना इंग्लिश डॉट प्रोग्राम बिकॉज सीट्स आर लेस, दे वॉन्ट द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. So if you have to be sure, if you are blocking a seat, you have to be sure that what is the level of your NEET preparation at this moment. ठीक है अंश? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं है. 50% इज द बेस रिक्वायरमेंट, नीट क्वालिफिकेशन इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट. क्वालिफाई आप 130-140 पे भी हो जाएंगे इस साल, ठीक है ना? सो यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट. हर्ष, इफ यू आर लुकिंग फॉर पिरोगो, दैट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी अवेलेबल इन रशिया विथ फुल्ली इंग्लिश डॉट प्रोग्राम. मैनी मोक स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन पिरोगोव एट द मोमेंट इन मोक इन मॉस्को. दे हैव ऑल टेकन FMG कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट रशिया, एब्सोल्युटली कैपिटल सिटी मॉस्को, एब्सोल्युटली इंग्लिश प्रोग्राम द बेस्ट टॉप, बट रिमेंबर इट इज एक्सपेंसिव. ओके, आपको रशिया के अंदर 12 लाख 15 लाख में भी मिल जाते हैं, तब 30 और 35 लाख खर्चा करने के लिए लोग पूछेंगे क्यों कर रहे हो. सो पिरोगोव इज फिल्ड विथ मोक स्टूडेंट्स एंड द रीजन इज दे नो दैट पैसा खर्चा कर रहे हैं तो सामने हमको पूरा उसका वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है? सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर बजट हर्ष बिफोर डिसाइडिंग ऑन द पिरोगोव.
आई विल बी 17 इन 2020. यू कांट वंशिता, यू कांट, यू कांट. यू हैव टू बी 17 बिफोर यू कैन अप्लाई, यू कैन स्टार्ट योर मेडिसिन. सो यू हैव टू वेट टिल 2020 इन एनी केस. आई अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई यू आर टेकन. परफेक्ट परफेक्ट वंशिता, दैट्स परफेक्ट. Ansh, you have 80% PCB but want to book Nanjing before 5th June so that I skip NEET 2000. Not possible. In China, not possible was. The only place where you can go by utilizing this rule of 5th June is Ukraine and Caribbean routes. Nothing else. Harsh, somebody will call you and they will send you the brochure for Pirogo. Don't worry about it, okay? After 6 years, it is compulsory to do internship in India. Yes, Samir, you are absolutely correct. So that's how Moksha comes into the picture, okay? What happens is you do your 6 years in Russia or Ukraine. You come back to India. You appear for FMG. You pass that FMG exam. Then do 1 year of internship again. So it's a seventh year. But if you do it in China, you do it for 5 years, you come to India, appear for FMG and 1 year of internship. It's 6 years. Second option, you continue your education in China, complete your internship in China, you come back to India, appear for FMG, direct license. So this is the benefit of China in a big way, and everybody book their seats in China. Okay? Ansh, what's your suggestion on this university for Bugo? Ansh, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है? Let's go to Indian Embassy in Moscow. Let's go back to what are the things? Performance of candidates. Okay? Ranking दिया गया है. मैं यूक्रेन में यूनिवर्सिटी का रैंकिंग पे चला जाता हूँ, ठीक है? You can see some students here, Bukovinian, Lviv, Vinnytsia. Ranking of the institutions given by the न इसके नीचे जाओ, ये तो एक और दो स्टूडेंट है इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया इसको. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ द इजिएस्ट वे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी एफ एम जी देना है. You can definitely get into this, the top university. Correct, Ansh. So, why to go to Bogomolets, which is not having the best of the scores? Bogomolets is posing a lot of problems. Last year, around 100 students were put into dental course. And there are a lot of problems unless handled very carefully. Our own students are studying in Bogomolets, but we were very careful to handle them. So if you are in the wrong hands, please don't go. First of all, question is not about only about university. Jo bhi consultant aapko force kar raha hai Bogomolets ke liye, usko pehle bolo, sir, mujhe FMG ka coaching do mujhe online pe. Professor to wahan ek din aayega, 7 din rahega, baad mein nikal jayega. Mujhe ek mere haath mein aisa tool chahiye jisme mera professor samne computer kholu, live lecture chalu kare, doubts clear kare. जब तक मुझे FMG का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी MBBS कोर्स. आप समझ रहे हो अंश? क्रीमिया इज नाउ इन रशिया, इट यूज्ड टू बी इन यूक्रेन बिफोर, ओके, 2014 तक. सो बेसिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट ओनली यूनिवर्सिटी. वी कैन हेल्प यू टू गो इनटू द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज with clear cut guidance along with FMG passing. Every Moksha student goes through free 3 months of trial FMG, which will start after your NEET results. Okay? Once you get used to that system, you will decide, tumhe ye tarika pasand hai FMG ka coaching ka, kya professors faculty sahi hai, kya pura jo learning management system hai wo perfectly matched hai aapke expectation ke saath mein, and then you have to go. Okay? Ansh, ye thoda कॉम्प्लिकेटेड चीज है. एडमिशन एजेंट लोगों का काम नहीं है, कंसल्टेंट्स का काम नहीं है, इसमें कोचिंग भी इन्वॉल्व उतना ही इंपॉर्टेंट चीज है. आई होप यू अंडरस्टैंड, यू वोंट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसल्टेंट्स, यू विल हैव योर ओन वे टू डिसाइड. सबसे पहला आपको मैंने बताया कितने साल पुराना है वो देखो आप,
अब वो कैसे देखोगे? WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, आप जाओगे, सर्च द डायरेक्टरी, सर्च इट एंड फाइंड आउट कंट्री। यूक्रेन देख लेते हैं हम लोग, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी हैं। बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में है, ठीक है, दे हैव गॉट इन यूक्रेनियन एंड इंग्लिश बोथ। 1841 परफेक्ट है, 100 साल पुरानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो, इस हिसाब से आपको सर्च करना है। इफ यू वॉन्ट इन बोगोमोलेट्स, वी कैन गेट यू इन, पुट यू इन बोगोमोलेट्स, बट इफ यू रियली आस्क मी, देर आर बेटर यूनिवर्सिटीज देन बोगोमोलेट्स। बॉस, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हर्ष, समबडी इज फूलिंग ऑल ऑफ यू, आई विल टेल यू। आपको साइबेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी आता है टॉम्स्क सिटी में, एम आई करेक्ट? ये है टेम्परेचर, आपको उधर का टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि भाई साल भर का टेम्परेचर कैसा रहता है। मुझे नहीं लग रहा कि आप वहां पे पढ़ाई कर पाओगे। इफ यू सी द टेम्परेचर इन टॉम्स्क, सिटी, एंड इफ यू सी इट इन द मंथ ऑफ डिसेंबर और समथिंग, आई नीड टू चेक दैट, हाउ डू आई चेक दैट डिसेंबर टेम्परेचर? टुनाइट इट इज -8 इन द मंथ ऑफ मार्च। इफ यू गो इन डिसेंबर, इट्स गोइंग टू बी -20। नो, आई थिंक वी कैन जस्ट चेक द टेम्परेचर्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आई एम चेकिंग द टेम्परेचर इन टॉम सिटी वेयर योर साइबेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इज देयर। दिस इज द नवंबर, -15, -16। नाउ इफ यू चेक योर डिसेंबर, इट विल गो टू -20। इट्स नॉट दैट इजी टू लिव इन द, यू कैन सी द टेम्परेचर और -27 डिग्रीज लोएस्ट टेम्परेचर, -32, -39 डिग्रीज, -35 डिग्रीज। डू यू थिंक यू कैन स्टडी हियर, हर्ष? सो टेल एनीबडी हु इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू इन अ रॉन्ग वे, प्लीज टेल देम I don't want to freeze. I am going there to study. Okay? Let me now finish quickly because I have to go now. Let me take the final questions. Yeah, Ansh, you are absolutely correct. Bangladesh and Nepal have good passing ratios. The biggest problem about Nepal is the private medical colleges with very low infrastructure, and Bangladesh having no, you know, hostel facilities, having 8 students in one room and all those things. So they are underdeveloped countries, and I don't think you should be going for underdeveloped countries. You should be going for the countries which are better off than you. You will have much better modern tech, you know, education techniques and all those things. I don't think the FMG results are much better in Bangladesh and in Nepal, not in everywhere. Some university, one or two universities in Nepal have got better results, and one or two universities in Bangladesh, not all of them. But still, when you have to stay there for 6 years, like I told you, Siberian, can you live there? You can't. Same way, you can't live there because of the conditions over there. Okay?
what if we get 200 marks or nearby, what is the, you cannot, you don't have anything to do. You cannot get anywhere in India except for 1 crore seat in medical. Okay, Smriti ji. So I think you have to understand the Indian medical education system, Smriti, and it doesn't work for anybody which is less than 540. The rest of the students are going to pay heavy price if they do not have the marks. Those who are repeaters know their cycle. Anybody who is a repeater here? Okay, Smriti. So last time you must have gone through the counseling session. You would already know what is the situation that you went through, correct? You are a repeater? Yes or no, Smriti? Of course, you can, better than Pirogov, you have this one. Crimea is there, highest passing ratios of MCI. I'm surprised you are a repeater and you don't know about counseling. It's a very surprising thing for me. But anyway, every person who appears for NEET would always go for counseling sessions. Okay, Rinki, you are not a repeater. Okay. Perfectly all right. So I think let's call it a day. Any other questions now? Okay, nobody was there to tell you about counseling. Very surprising. No problem. So any other questions now? Did this session help you in any ways so that you can understand your options clearly? Indian colleges options you will get in an Indian session today is all about NEET crash course and MBBS abroad. Okay, Smriti. Okay, so let's meet up once more sometime. If you have any queries, you have all the options to go through it. On our website, you can go through it. I hope you have gained some knowledge out of the last 1 hour that we have been talking. Call up on this number and you will have, or go through the website. You will have lots and lots of information. Smriti, we will have lots of you. So I would suggest you that just subscribe to neatprep.com. Okay, their YouTube channel. Okay, NEET Prep YouTube channel is there. No, you don't have to pay for it. You can always go on YouTube and subscribe it. You will have constant information about Indian colleges. Absolutely no problem. Okay, Samir, what was your question now? I think I missed your question. You are asking clinical rotation in Ukraine. There is no clinical rotations in Ukraine. I'm surprised. You are talking about internship in Ukraine, if I'm not wrong. Samir, are you asking for rotations or are you asking for internships? Internships, of course, from third year onward, it's there. The only difference is in India, you have a 48-week, continuous internship. In Ukrainian system and Russian system, you have a separate, weekly basis, 3 months in this year, 3 months in the next year. So it's a split internships. Okay, so let me finish the session right now. We will definitely meet. I'm going to be there on the webinars on a daily basis. I hope you gained something out of this and this will help you to take the right decisions. Okay. Thank you. Bye-bye.